मैं हूँ अर्चना और आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल पे। आज हम बनाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी, जैसा कि आप देख रहे होंगे यह काले चने और हरी मूंग दाल की सब्जी। वो जो साबुत मूंग दाल होती है ना, हरी मूंग दाल, मैंने उसी को लिया हुआ है। इसको आप गर्मा गर्म स्टीम्ड राइस, पराठे और चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, हेल्दी भी है और सबसे बड़ी बात ये बहुत ही कम समय में बन के रेडी हो जाती है। इसको बनाने के लिए मैंने लिया था 1 कप काला चना, आधा कप हरी मूंग और रात भर पानी में भिंगो दिया था। उसके बाद इसको प्रेशर कुक कर लिया था 2 से 3 सीटी आने तक, तो आप देख सकते हैं। फिर मैंने उसमें डालने के लिए लिया 2 टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, 2 बड़ी साइज़ का प्याज जिसको मैंने फाइनली चॉप कर लिया और यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के आलू बॉयल करके रफली हाथ से ब्रिक कर लिया। मसालों के लिए मैंने लिया 1 चम्मच होममेड गरम मसाला, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और धनिया पाउडर। तीखी लाल मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब हम लेंगे टमाटर को और रफली चॉप कर लेंगे और इनको ब्लेंडर जार में डाल देंगे। इसमें डालेंगे हरी मिर्च और अदरक, इसका एक पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने टमाटर की प्यूरी रेडी कर ली है। तो चलिए अब हम लेते हैं कढ़ाई। कढ़ाई में डालेंगे 2 से 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल। सरसों के तेल में सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। अब हम इसमें तड़का देंगे 2 से 3 लौंग का, 2 सूखी लाल मिर्च, 1 बड़ी इलायची और 1/2 चम्मच जीरा और सारी चीज़ों को चटकने देंगे। जब सारी चीज़ें चटकना स्टार्ट हो जाएंगी तो इसमें डालेंगे कटा हुआ प्याज और थोड़ा सा नमक। नमक मैंने पहले इसलिए डाल दिया है ताकि प्याज हमारा जल्दी से फ्राई हो जाए। थोड़ा सा नमक नहीं, नमक स्वाद अनुसार। प्याज को सुनहरा होने तक अच्छे से फ्राई करेंगे। तो प्याज हमारा अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे तैयार किया हुआ टमाटर की प्यूरी। उसी ब्लेंडर जार में मैंने 1/2 कप पानी डाल के इसमें ऐड कर दिया। डालेंगे स्पाइसेस और 1 चम्मच कसूरी मेथी और सारी चीज़ों को अच्छे से चला लेंगे। मसालों को हम मीडियम फ्लेम पे ही कुक करेंगे। इसमें मैंने डाला 1 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट। अगेन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। कवर करके मसालों को 3 से 4 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए और मसाले अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए। तो आप देख सकते हैं मसाले अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं। इसमें डालेंगे आलू और बॉयल चना और मूंग। सारी चीज़ों को चला लेते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। 1 से 2 मिनट के लिए हम इनको फ्राई करेंगे। यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। प्याज फ्राई करते टाइम ही मैंने नमक ऐड कर दिया था, तो इसलिए सब्ज़ी में नमक नहीं डालना है वरना सब्ज़ी में नमक बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे डालेंगे 1 गिलास पानी। आप ग्रेवी अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं कि गाढ़ी या पतली, जैसी भी ग्रेवी आप खाते हो। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मुझे लग रहा है पानी कुछ और जाएगा, तो इसमें मैंने डाला 1/2 गिलास पानी और, यानी अप्रॉक्स मैंने पानी का यूज किया 1.5 गिलास। इसको कवर करके 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पे सिमर करेंगे। तो यहाँ पे ग्रेवी में काफ़ी अच्छा सा बॉयल आ चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 नींबू का रस। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, हल्का सा खट्टापन आएगा। आप चाहें तो आमचूर पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ग्रेवी कलर बहुत ही प्यारी आई हुई है। तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे हरी धनिया की पत्ती। हरी धनिया की पत्ती डालने के बाद कवर करके 1 मिनट के रख देंगे ताकि मसाले और धनिया पत्ती का फ्लेवर काफ़ी अच्छे से ग्रेवी में आ जाए। तो आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा कलर आया हुआ है ना, बहुत ही प्यारा कलर। ग्रेवी एकदम परफेक्ट उतरी है, ना ज़्यादा गाढ़ी है ना ज़्यादा पतली है। तो अगर आपको ये मेरे काले चने और हरी मूंग की सब्जी की रेसिपी पसंद आती है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर नहीं पसंद आती तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, मगर कमेंट सेक्शन में बताएं जरूर कि ये सब्जी की रेसिपी आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अर्चना।